कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं ये कोई विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। आप बिहार के लोगों को बिहारी आप बोल रहे हो 20 दिन चुप क्यों थे? आप बोलिए आपका नेत्री लोग क्यों चुप थे? आपका नेता लोग क्यों चुप थे? आप दिल्ली में आके बोलेंगे आपने बोला आप बोलिए। मीडिया की डिबेट्स में सवाल ज्यादातर विपक्ष से ही होते हैं, पर अभी विपक्षी प्रवक्ता पलटकर जवाब भी दे देते हैं। आज की इस वीडियो में बात कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथे की करेंगे। आज उनकी वह डिबेट्स देखेंगे जिनमें उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता को करारे जवाब दिए हों। आज तक पर उत्तर प्रदेश के चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेसी प्रवक्ता से सवाल किए। अपने जवाब में उन्होंने सरकार की आलोचना की, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता बीच में बोलने लगे। तभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने उन्हें सुना दिया। सईद जी, आपको पता है भारतीय संस्कृति का सर्टिफिकेट देने वाले ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक औरत की मर्यादा और उसकी इज्जत तक नहीं जानते हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं जानते हैं कि एक औरत की डोली उसके घर आती है, उसकी अर्थी जाती है। जब एक औरत एक आदमी के नाम पर सिंदूर लगाती है ना, उसको बार बार बदतमीजी से उसका नाम लेना अपनी औकात दिखाती है। चुप रहो बिल्कुल, बेवकूफ आदमी, गोगले, बिल्कुल गोगले हो, गोगले और बेवकूफ आदमी, बिल्कुल ठेकेदारी करने वाले, चुप रहो, ठेकेदारी करने वाले अपना मन रख दो। पूरी तरह से इनके पूरा प्रदेश जानता है, इनके मुंह से जितने का पर जवाब निकलेगा, दिन दहाड़े रेप होता है, जवाब नहीं है। आपके पिता करने के लिए या भक्त के पूरा आदमी आ रहे हैं, बदतमीजी करता है, क्या बदतमीजी करते हो? चुप रहो, अपना भोग के वस्तु के अलावा कुछ नहीं देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। आज तक पर बीजेपी टीएमसी विवाद पर एंकर ने सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से किया, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच बहस हो गई। आप और भाजपा के सदस्य मिलकर वहां पर संसदीय समिति चलने नहीं देंगे, ज्वलंत मुद्दे उठने नहीं देंगे, और यहां पर आप आकर कुत्सित प्रयास करेंगे देश को विभाजित करने का, बिहार बनाम देश करने का। ये प्रयास मत करिए, ये पाप है। ये प्रयास शुरू होने से पहले खत्म होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड, और अभी मैं देख रही हूँ लोकसभा की वेबसाइट कमेटी की कहती है आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए कोरम नहीं बन पाया। जब आप नहीं थे तो आपको कोई कैसे अपशब्द कहेगा? लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप और भाजपा के मंत्री और भाजपा के लोग फिजिकली रोक रहे हैं वहां पर एलाइंस को आने से। ये कौन सा प्रजातंत्र है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि कमेटी ने चलने दी। दूसरी बात यह है कि जब सवाल उठा वहां पर आप ही के मेंबर ने कहा हम करें, आप डाइवर्ट मत कीजिए। बिहार के 14 करोड़ बिहारियों को गाली दिया गया, गुंडा कहा गया। कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं ये कोई विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। आप बिहार के लोगों को बिहारी गुंडा कहेंगे? न्यूज 18 पर संसद के हंगामे के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष द्वारा लगाए इल्जामों को बेबुनियाद बताया। इसके बाद एंकर ने कांग्रेसी प्रवक्ता से सवाल किए, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया। क्या वायर ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखेंगे, जी जी, क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है। उनके विषय में चर्चा ना हो। मैं पहले तो जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। आप संसद में अगर बहस करेंगे तो वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ेगा कि इस मामले में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। इतना गंभीर मामला है। आप नेतन्याहू के साथ बीच घूम रहे थे, यहाँ हमारी जासूसी हो रही थी हमारे देश में लोगों की, आप क्यों नहीं बहस करते? अगर चुनी हुई सरकार का दामन साफ करना है तो चुनी हुई सरकार को आकर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप संसद तो छोड़ दीजिए, आप संसद की समितियों को नहीं चलने देते। ये कौन सा प्रजातंत्र है जहां पर ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को रोका जाता है समितियों में जाने से? क्या हमने देखा नहीं कि कल क्या हुआ है? और फिर आप भाषा पर, लिंग पर, रिलीजन पर, रीजन पर देश को विभाजित करने। आज तक पर असम मिजोरम विवाद पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता से कुछ सवाल किए, जिस पर प्रवक्ता ने केंद्र सरकार का जिक्र कर निशाना साधा और मामले के समाधान को लेकर कुछ बातें कही, जिस पर बीजेपी सांसद ने बीच में उन्हें टोकना शुरू किया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने उन्हें सुना दी। बताया मुझे कि 10 तारीख को असम के बॉर्डर के अंदर सिलचर में एक बम विस्फोट हुआ था और इस चीज को दबाने की कोशिश हुई। वहां पर 24 और 25 तारीख को हमारे गृह मंत्री प्रेजेंट थे, उसके बाद 26 को ये हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का मामला बन रहा है।
मैं फिर से कहूंगी इसमें केंद्र सरकार को बहुत भूमिका निभानी पड़ेगी। प्लीज रास्ता बनाने के लिए, पहाड़ तोड़ने के लिए एक एक बोलूं, मैंने हेमंत बिस्व शर्मा का इस पर स्टेटमेंट देखा, उन्होंने डिनाई किया इस बात को कि जो, ऐसा कुछ भी करे, जो करे थे वो इन्फॉर्मेशन आप प्लेस आपकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, आपके छह पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है आपका, आपको शर्म नहीं आ रही है आप आके मुझसे बात कर रहे हैं, आप और मिजोरम लड़ रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, प्लीज रहिए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप मिजोरम आप अगर बोल रहे हैं मिजोरम और असम में डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रही है चुनचुना बजा रही है, क्या कर रहे हैं आप, चुप रहिए, चुप थे आप मीडिया डिबेट से जनता उम्मीद करती है कि उनके मुद्दे पर कोई समाधान मिले, पर बीजेपी नेता विपक्ष की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं और सवाल भी करते हैं तो पलटकर विपक्षी नेता भी उन्हें सुना देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।